एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल बच्चो माई ने आदिश एंड हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे पाइथोग का जो कि एस एस सी क्लास टेंथ वालों के लिए है यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों इसके पहले हम लोग ने जो भी चीजें सीखी थर्टी तो ये सब कुछ हो चुका है एंड आई थिंक आप लोग सब लोग को वो सारी चीजें समझ में आ चुके हैं अगर आप लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाना बच्चों तो पे क्रोनोलॉजिकली मैंने सारे चीजें देखे रखी है उस क्रोनोलॉजी में ही देख लेना सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा आज हम लोग जो पाइथोग में पढ़ने वाला है वो एक अलग सा टॉपिक है एक यूनिक टॉपिक है इसके पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ टॉपिक है वो तो टॉपिक का नाम है बच्चों सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल करके एक थियरम है एंड दूसरा उसी से डिराइव हुआ थियरम बच्चा या फिर करोलरी भी बोल सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन करोलरी हम लोग ये दो चीजें आज इस पर्टिकुलर सेशन में पढ़ने वाले हैं एंड ये बहुत ही सिंपल है बिलीव में बट हां बच्चों ये दोनों के थियरम्स जो है ना उसका प्रूफ एग्जाम में आ सकते हैं बट आज हम लोग उस थियोरम का प्रूफ यहाँ पे नहीं लेंगे उसके लिए मैं अलग सा एक सेशन बनाऊंगा अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको वो चेक करने के लिए ज्यादा ईजी पड़े उसके थियरम के प्रूफ हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे तो आज हम लोग सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो चलो शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक तो बच्चों सबसे पहले इट्स टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये दो थियरम होते क्या है सबसे पहला थियरम जो है बच्चों वो है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल्स इसका मतलब क्या है इसमें नाम तो दो चीजें पड़ी है एक है राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए जो कि सबसे पहला हमारा यहाँ पे नेसेसिटी है एंड दूसरा नेसेसिटी यहाँ पे है बच्चा कि वो सिमिलैरिटी आना चाहिए इसमें मतलब ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ चुका है यहां पे, बट इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं मैं पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ के दिखाता हूं इन राइट एंगल ट्राइंगल इफ द ऑल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूस, देन द टू ट्राइंगल फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर जाहिर सी बात है बच्चों पूरा बाउंसर गया होगा क्योंकि मुझे भी नहीं समझा यहां पे इस चीज को अच्छी तरह से तोड़कर समझने की कोशिश करते हैं लेट्स ब्रेक द स्टेटमेंट्स इनटू पार्ट्स तो सबसे पहले इन्हों बोले इन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल को लेने को बोला इन अ राइट एंगल ट्राइंगल तो मैंने यहां पर राइट एंगल ट्राएंगल बना दिया मान के चलो मेरा ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ए बी सी विच इज एक्चुअली मेकिंग अ नाइनटी डिग्री राइट एंगल एट नाइन्टी डिग्री एट बी तो यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल में बी में राइट right एंगल बन रहा है यहां पर ग्रेट ऑल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू दाइपोटेनस बच्चे ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर हाइट एक परपेंडिकुलर हाइट बनाना है इफ द ऑल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू दाइपोटेनस मतलब मुझे ऐसा एक परपेंडिकुलर बनाना है जो हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर हो जाए डायग्राम में बताओ बच्चों देखो ऐसा कुछ तो कैन यू सी और बी से एक हाइट बना दिया जो के लिए एक हाइट होना चाहिए देखा बच्चा परपेंडिकुलर हो गया यस इफ द ऑल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द दाइपोटेन देन द टू ट्राइंगल फॉर्म अब लोग कौन से दो ट्राइंगल्स चलो रुको सबसे पहला गिवन क्या था इन ट्राइंगल एबीसी यहां पे हमें गिवन है इफ बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी जहां पर बी डी दिख रहा है बच्चों आप लोग को एक बी डी करके है ऑल्टीट्यूड वो हाइपोटेनिस को परपेंडिकुलर है अगर ऐसा होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल के सामने

ओरिजिनल ट्रायंगल अपना ओरिजिनल ट्रायंगल था बच्चा ट्रायंगल ए बी सी मतलब बच्चों हमारा जो छोटा ट्रायंगल मिला है ट्रायंगल ए डी बी दैट विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी जो कि मेरा ओरिजिनल ट्रायंगल है पहली बात और एक दूसरा भी एक ट्रायंगल है मेरे पास यहां पे फॉर्म हो चुका है कौन सा बच्चा वो दूसरा ट्रायंगल वेरी गुड बच्चा ट्रायंगल बी जो है जो भी फॉर्म हो चुका है वो भी मेरा सिमिलर रहेगा बच्चों ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ कितना सिंपल था ना बच्चा देन द टू फॉर्मड विल बी ओरिजिनल ट्राइंगल से सिमिलर होना चाहिए मतलब मेरे दो ट्राइंगल जो बने हैं वो मेरे ओरिजिनल ट्राइंगल के साथ सिमिलर हो चुका है बट यहां पे बात खत्म नहीं हुई है द टू ट्राइंगल फॉर्म आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल तो है ही बट एंड टू ई

एक ऊपर बना है एक नीचे बना है और एक ओरिजिनल ट्राइंगल है ये सारे के सारे जो ट्राइंगल्स है आपके सामने ये सारे ट्राइंगल्स का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है दिस ऑल थ्री ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बस इतना ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चा स्टेटमेंट थोड़ा वाकड़ा तिकड़ा है थोड़ा सा टेंशन वाला है बट यू डोंट वरी अबाउट इट ऑल द थ्री ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर एज सिंपल एज दैट समझा बच्चों, आई होप एवरी वन अंडरस्टूड दैट टॉपिक ओवर हियर सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रा इस टॉपिक को अच्छी तरह से याद रखना बच्चों प्रूफ हम लोग नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं इसका चलो अभी बस इतना ही है ये वाले कॉन्सेप्ट के बारे में अब दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं द दूसरा कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बच्चों इस थियरम को थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं या कहीं कहीं ज्योमेट्रिक मीन करोलरी भी बोलते हैं तो इट्स कंप्लीटली फाइन कि आप इसको क्या बोलना चाहोगे ओके ज्योमेट्रिक मीन करोलरी या फिर थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इसका स्टेटमेंट क्या है मालूम है बच्चों इन राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्योस फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स इनटू व्हिच द द इज डिवाइडेड ये बाउंसर भी नहीं गया बच्चा ये तो पूरा डायरेक्ट सर पे ही लग गया बॉल मुझे तो कुछ भी नहीं समझा यहां पे बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ओके राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया ट्राइंगल एबीसी ये तो पिछले वाले में भी था सेम टू सेम राइट द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स ये तो सेम टू सेम हो गया ना बच्चा पिछले वाले टाइप जैसा उधर ऑल्टीट्यूड करके नाम दिया था यहां पे परपेंडिकुलर सेगमेंट बोला है वन एंड द सेम थिंग सिर्फ स्टेटमेंट का घुमा फिरा के बोल रहे बच्चों है तो सेम मीनिंग द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूस फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स मैंने यहां पर निकाल दिया दैट इज बी डी अगर ऐसा कुछ होता है ना बच्चा दैट परपेंडिकुलर सेगमेंट का क्या होगा सबसे पहला गिवन लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पे हमारा एंगल एबीसी नाइनटी डिग्री है इफ बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी तो हमने तो पिछले थ्योरम में क्या पढ़ा कि जब ऐसा होता है तो तीनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं बट एक और चीज है बच्चों यहां पे समझना है आप लोगों को डायग्राम सेम कंडीशन सेम सब कुछ सेम सिर्फ रिजल्ट थोड़ा सा अलग यहां पे क्या लिखा है बच्चों द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फिर से पढ़ो परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेस मुझे बताओ बच्चा दर्पेंडिकुलर से हाइपोटे कौन था कौन सा परपेंडिकुलर सेगमेंट बनाया मैंने वेरी गुड बच्चा बीडी लिखा देखो तोड़ रहा हो यहां पर स्टेटमेंट आप लोग के लिए परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस मतलब बीडी इज द जोमेट्रिक मीन मतलब इज द जोमेट्रिक मीन जोमेट्रिक मीन किसका यह वाला पार्ट थोड़ा डेंजरस है इट इज द जोमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इन टू विच द हाइपोटेन्यूस इज डिवाइडेड इसको हिंदी में अगर मैं बोलूंगा तो बताना चाहता हूं कि जो बीडी ने मेरा है ना बच्चा मेरे अच्छे खासे हाइपोटेन्यूस को दो भाग में डिवाइड किया दिखा बच्चों वो बीडी नहीं था तब तक मेरा हाइपोटेन्यूस ए सी था अचानक से जैसे मेरा बीडी आ गया मेरा हाइपोटेनियस दो हिस्सों में बट गया दिख रहा है बच्चा डिवीजन वो कौन से कौन से दो सेगमेंट है बच्चों जिसमें वो बट गया है वेरी गुड बच्चा एक है एडी एंड दूसरा है डीसी सो so, आई से बच्चा जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है बीडी डी दैट विल बी द जोमेट्रिक मीन ऑफ द ये दो बटे हुए चीज है मतलब एडी एंड डी वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड फिर से बोलू आपका जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है दैट इज ऑलवेज द जोमेट्रिक मीन ऑफ द

स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड डी का ज्योमेट्रिक मीन है मतलब ए डी मल्टीप्लाइड बाई डी हो जाएगा ये इसका बच्चों मैथमेटिकल सॉल्यूशन है मैथमेटिकल इक्विवेलेंट है आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने ये कैसे किया बी डी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड डी सी देर फोर इज इक्वल टू ए डी आपने कैसे किया इसका आंसर बच्चों आपके नाइन्थ स्टैंडर्ड पिछले साल के कंटिन्यूड प्रोपोर्शन करके टॉपिक में है आप चाहो तो उसका फंडामेंटल देख सकते हैं आपको समझ में आ जाएगा इफ यू रियली नो दैट पार्ट खत्म हो गया बच्चों आज का टॉपिक बस इतना ही है परपेंडिकुलर जो सेगमेंट था उसका स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिवाइडेड साइड्स वेरी सिंपल समझा बच्चा इसी से रिलेटेड बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ तीन क्वेश्चन है बच्चों टू पॉइंट वन का एक्सरसाइज में तीन क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन और सेवेंथ बस इतना ही है इसमें और कुछ भी नहीं है लेट्स से टू पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर टू क्या बोला है एंगल एम एन पी इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री दिख रहा है बच्चों आप लोग को ट्राइंगल वहां पे ट्राइंगल एम एन पी में एंगल एम एन पी नाइनटी डिग्री मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है सेगमेंट एन जो है बच्चा वो परपेंडिकुलर हो गया सेगमेंट एम के साथ एम क्यू इज इक्वल टू नाइन क्यूपीज टू फोर फाइंड एन क्यू कोई बात नहीं बच्चों क्वेश्चन काफी सिंपल है चलो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं गिवन इन ट्रायंगल एम एन पी एंगल एम एन पी इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री देके रखा है जो कि गिवन है मतलब क्या मैं बोल सकता हूं सामने वाला जो ट्रायंगल है एम एन पी वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जाहिर सी बात है चलो

एक राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने को यहाँ पे परपेंडिकुलर बना दिया था मीन करोलरी तो करो हमने क्या पढ़ा था बच्चा जो सेगमेंट मेरे हाइपोटेन्यूस को डिवाइड करता है वो उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन बन जाता है मतलब यहां पे किसने डिवाइड किया बच्चा एनक्यू ने डिवाइड किया ना बच्चा तो क्या हो जाएगा देयरफॉर एनक्यू का स्क्वायर क्वल टू बाकी के दो हिस्से जो बटे हुए हैं हाइपोटेनस का उनका मल्टीप्लीकेशन तो कौन सा कौन सा रहेगा बच्चा एम क्यू एक पार्ट है मल्टीप्लाइड बाय दूसरा पार्ट कौन सा बच्चा क्यूपी है इसका रीजन लिखोगे बच्चों थियरम ऑफ जोमेट्रिक मीन एज सिंपल एज दैट सिंपल था बच्चा ग्रेट अब चेक करो बच्चों हम लोग को फाइंड क्या करने बोला उन्होंने क्वेश्चन में उन्होंने क्वेश्चन में फाइंड करने बोला एन क्यू चलो एनक्यू स्क्वायर ही है यहाँ पे मतलब एन क्यू निकालना है तो ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू एम क्यू बच्चो एम क्यू का वैल्यू देकर रखा है क्या मैंने तो डायग्राम में भी दिखाया है आप लोग को ऊपर क्वेश्चन में भी है यस yes, बच्चो एम क्यू का वैल्यू है नाइन मल्टीप्लाइड बाई क्यूपी का वैल्यू है फोर राइट right ना बच्चों चलो एन क्यू कितना हो जाएगा नाइन इंटू फोर होता है थर्टी सिक्स मुझे बताओ बच्चों अगर एन क्यू का स्क्वायर थर्टी सिक्स है तो एन क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू वेरी गुड बच्चों सिक्स हो जाएगा ये कैसे मिला मुझे यहां पे सिक्स यूनिट्स बच्चों द रीजन विल बी टेकिंग स्क्वायर रूट्स क्या हमें इन्होंने एन क्यू का ही वैल्यू निकालने बोला था जी हाँ बच्चों तो मैंने यहाँ पे एनक्यू का वैल्यू सिक्स यूनिट्स निकाल दिया है एंड दिस इज हाउ आई गॉट अ टू मार्क क्वेश्चन बाय यूजिंग द जोमेट्रिक मीन करोलरी ओवर हियर एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट लगता है ना बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट में कैसा लग रहा था स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट जाएगा ये टॉपिक बट बहुत ही सिंपल टॉपिक है बच्चा इसके प्रूफ भी जो है ना नेक्स्ट सेशन में लेने वाले वो भी काफी इजी है चलो गोइंग फर्दर फॉर एन अनदर क्वेश्चन बच्चों प्रैक्टिस से टू का ही है बट क्वेश्चन नंबर थ्री है वो है एंगल क्यूपीआर इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री दिख रहा है बच्चों आप लोग को थोड़ा ट्राएंगल चेंज हो चुका है बच्चों यहाँ पे ट्राएंगल ऐसे हुआ करता था अभी उसको सुला दिया बट टेंशन मत लो मतलब स्टिल अ राइट एंगल ट्राइंगल एंगल क्यूपीआर इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री सेगमेंट पी एम इज टू परम इज इक्वल टू एट फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर चलो कोई बात नहीं कुछ समझ में तो नहीं आया है बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि गिवन क्या है सबसे पहले मैं बोल सकता हूं एंगल क्यूपीआर इज इक्वल टू नाइन डिग्री देख रखा है अब ये कौन से ट्राइंगल को बिलोंग करता है वेरी गुड इन ट्राइंगल क्यूपीआर एंगल क्यूपीआर इज इक्वल टू नाइन डिग्री गिवन इससे मुझे एक बात तो पता चला कि मेरा ट्राइंगल क्यूपीआर जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है चलो पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन है बच्चों यहां पे लिखा है सेगमेंट पीएम जो है वो परपेंडिकुलर है सेगमेंट क्यू आर के साथ बट बच्चों ट्राइंगल पी क्यू आर जो कि क्यूपीआर है इट इज ये एक triangle तो राइट एंगल ट्राइंगल है राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से बच्चों जो सेगमेंट क्यू आर है आपको नहीं लगता बच्चा वो तो हाइपोटेन्यूस बन गया तो सेगमेंट पीएम जो है बच्चों वो परपेंडिकुलर हो जाएगा हाइपोटेन्यूस क्यू आर के साथ बच्चों समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है यहाँ पे सेगमेंट पीएम जो है वो मेरे हाइपोटेन्यूस के साथ परपेंडिकुलर हो गया मतलब ये जो पीएम है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग वही रिस्पांसिबल हो जाएगा ना बच्चा तो यहाँ पे मैं ज्योमेट्रिक मीन करोलरी यूज कर सकता हूँ तो ऑल्टीट्यूड है इसलिए यस yes, बच्चों तो क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ दैट जो बंदा मेरे को परपेंडिकुलर मार रहा है ऑल्टीट्यूड है वो उसका ज्योमेट्रिक मीन बन गया मतलब पीएम का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बाकी के दो साइड का मल्टीप्लिकेशन कौन से कौन से दो साइड दिख रहा है बच्चा आप लोग को यहाँ पे सबसे पहला साइड है क्यूएम एम मल्टीप्लाइड बाइ दूसरा साइड क्या दिया है बच्चा यहाँ पे दूसरा साइड है एमआर वेरी इजी रीजन लिखना ना बोले बच्चों थियरम ऑफ जोमेट्रिक मीन डायग्राम को उल्टा करने से उप्ट चेंज तो नहीं होता बच्चों सिर्फ आपको जरा अच्छी तरह से देखना पड़ेगा अच्छा यहां पे ना बच्चों जरा ट्विस्ट है कहानी में पे ना आपको PM का वैल्यू नहीं निकालने बोला है पीएम का वैल्यू तो उल्टा देखे रखा है तो पीएम स्क्वायर मतलब टेन का स्क्वायर बनेगा जरा डायग्राम को देखो एंड क्वेश्चन को भी देखो इज इक्वल टू क्यूएम का वैल्यू भी देखे रखा 8 है एट है मल्टीप्लाइड का वैल्यू हमारे पास नहीं है उसको वैसे रहने दो अच्छा टेन का स्क्वायर होता है 108 का स्क्वायर नहीं पूछा है तो 8 का 8 ही है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एमआर अगर हमको एमआर का वैल्यू चाहिए रहेगा तो 8 को वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा इट विल बिकम 100 अपॉन 8 व्हिच इज इक्वल टू एमआर बच्चों 100 डिवाइडेड बाय 8 ट्राई करना सॉल्व करने का कुछ बच्चे डायरेक्टली करते हैं कुछ बच्चे 2 से सॉल्व करने जाते हैं आंसर सेम है डेसिमल में आ जाएगा यहां पे एक सिंपल सा डेसिमल है एमआर का वैल्यू मिलेगा बच्चों 12.5 यूनिट्स मैंने यहां पे एमआर का वैल्यू निकाला बट बच्चे यहां पे तुम लोग सबसे बड़ी गलती करते हो आपको लगता है क्वेश्चन खत्म हो गया बिकॉज एम पूछा रहेगा हमने निकाल दिया बच्चों जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहना क्या हम लोग को यहां पे सच में इन्होंने एमआर का वैल्यू पूछा है जरा देखो क्वेश्चन में नहीं यहाँ पे इन्होंने बोला फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू आर क्यू आर का वैल्यू पूछा एम आर का नहीं अब यहां पे क्यू आर कहाँ से आ गया लुक एट द डायग्राम बच्चों आपको क्यू आर दिख रहा है हाइपोटे या फिर जिसको हम बोल सकते हैं बेस है यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का राइट right, बच्चों अब मुझे एक बात बताओ बच्चों यहाँ पे वो जो क्यू आर है क्यू आर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू डिफरेंट सेगमेंट्स एक है क्यू एम एंड दूसरा है एम आर तो क्यू एम और एम आर का एडिशन मुझे क्यू आर देगा इसका रीजन है क्यू डैश एम डैश आर जो कि क्वेश्चन में देखे रखा था राइट right? अब देखो बच्चों मुझे यहां पे क्यू आर का वैल्यू अगर चाहिए जो कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया है हमसे तो उसके लिए मुझे क्यूएम का वैल्यू पता होना चाहिए क्यू एम इज गिवन इन द क्वेश्चन एट है प्लस एम का वैल्यू होना चाहिए एम आर हमने अभी अब अभी अब फ्रेशली निकाला है बच्चों एम का वैल्यू 12.5 है इज दैट क्लियर एंड दिस इज हाउ अगर मैंने क्यू का वैल्यू निकालना चाहा तो 12.5 पॉइंट प्लस एट तो होता है 20.5 पॉइंट यूनिट्स एंड यहां पे आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था बट सिली मिस्टेक्स डू हैपन अभी भी लिख लेना बच्चों करेक्ट कर लो यहाँ पे अपने नोटबुक में कहीं तो लिख लो या फिर बुक में दैट वी मेक अ मिस्टेक ऑफ जस्ट फाइंडिंग आउट एम आर हम एम आर ही निकाल के आते हैं उसके आगे बढ़ते नहीं है ये सबसे बड़ी गलती हमसे होती है डोंट मेक दैट मिस्टेक ओके बच्चों चलो आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं लास्ट क्वेश्चन है बट थोड़ा सा लेंगदी है इसलिए तीन मार्क का है है तो सिंपल बट लेंगदी है ओके okay, ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं बच्चों प्रैक्टिस से 2.1 का क्वेश्चन नंबर सेवन ये सिर्फ एंड सिर्फ मेरा थियरम ऑन ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है

तीन मार्क तीन आंसर के लिए वेरी सिंपल चलो लेट स्टार्ट यहां पे सबसे पहले मैं बोल सकता हूं इन ट्राइंगल डीएफई एंगल डीएफ इक्वल टू नाइनटी डिग्री कैसे गिवन है वेरी सिंपल उसके बाद में एक और चीज गिवन है बच्चा एफ जी जो है हमारा वो परपेंडिकुलर है बच्चों हमारे ईडी के साथ हाइपोटेनियस कैसे पता चला ऊपर अभी अभी प्रूफ हुआ कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है अगर मेरा कोई भी एक सेगमेंट मेरे हाइपोटेन्यूस को परपेंडिकुलर मारता है तो वो पर्टिकुलर सेगमेंट जो है ऑल्टीट्यूड वो जोमेट्रिक मीन बन जाता है इन दोनों हिस्सों का तो यहां पे लिख सकते हैं बच्चा किसका किसका तो यहां पे कौन हमारा हाइपोटेन्यूस को परपेंडिकुलर मारा एफ ना बच्चों तो हम लोग यहां पे एफ लिख सकते इज़ इक्वल टू बाकी के दो साइड का मल्टीप्लीकेशन बाकी का दो साइड कौन सा कौन सा है बच्चा एक है जीडी दिख रहा है बच्चों आप लोग को ऊपर जीडी मल्टीप्लाइड में दूसरा है बच्चों इजी या फिर उसको जी ई बोल सकते ई जी बोल सकते हैं। वन एंड द सेम थिंग अच्छा यहां पे लिख सकते हो थियरम ऑफ जोमेट्रिक मीन चलो एफ जी का वैल्यू हमें है क्या बच्चों हम लोग को पता है क्या या एफ जी का स्क्वायर हमें पता है बच्चों का वैल्यू ट्वेल्व है तो वो ट्वेल्व का स्क्वायर बनेगा गिवन है इज इक्वल टू का वैल्यू पता है बच्चों वो भी गिवन है GD is equal to 8. आपको EG का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा अभी ना बच्चों ट्वेल्व का स्क्वायर होता है एट तो एट ही रहेगा मल्टीप्लाइड बाईजी अगर आपको ई जी का वैल्यू चाहिए तो एट को वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा 144 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू ई जरा आराम से सॉल्व करना बैठकर मुझे आंसर आंसर पता है, is equal to 144 upon 8 तो 18 होता है, तो तो होता इसलिए मैंने पे पे लिख लिया, आप आराम से से सॉल्व करके देख सकते हैं, EG का वैल्यू मुझे मुझे यूनिट्स मिला, सबसे पहले जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे तीन चीजें एक्सपेक्टेड तो क्या उसमें पहला मिल भी दिखा दिया देखो, मुझे 18 मिल चुका है पहला आंसर मिल गया चलो ग्रेट अब क्या होने वाला है अब थोड़ा सिस्टम चेंज होगा थियरम चेंज होगी चलो दूसरा वाला यहां इन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया है बच्चों हम लोग को जरा क्वेश्चन को देखो द सेकंड थिंग आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ डी एफ डी का वैल्यू निकालने बोला है अब एफ डी कहां पर दिख रहा है मुझे इस डायग्राम में डी है हाँ राइट हैंड साइड में एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों आप लोग को जिस ट्रायंगल का नाम है बच्चा ट्रायंगल एफजीडी या फिर डीजीएफ जो चाहे बोल सकते हो एफजीडी बोलो या डीजीएफ बोलो वो तो पर्टिकुलर ट्रायंगल में सबसे पहले देखो बच्चों आपको दिख रहा है एंगल डीजीएफ 90 डिग्री है बच्चों ये वाला पार्ट मैंने एकदम अच्छी तरह से आपको बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने से पहले अप्लाई yeah, करने से पहले आपको पहले दिखाना पड़ेगा बोलना पड़ेगा कि सामने वाला ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए उसको बताना पड़ेगा कि उसका एंगल जो है वो 90 डिग्री है ये मैंने पहले भी बताया है ध्यान से सुनना अच्छा एंगल डीजीएफ इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन था, बिकॉज वो तो परपेंडिकुलर था

प्लस दूसरा है बच्चा एफ जी का स्क्वायर वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड बाय पाइथागोरस थ्योरम चलो एफ डी का स्क्वायर वही चाहिए वैसे ही रहेगा जी डी का स्क्वायर हमें पता है एट का स्क्वायर है एफ जी का स्क्वायर मतलब ट्वेल्व का स्क्वायर हो जाएगा सारे चीजें तो देखे रखी थी ओके एफ डी का स्क्वायर विल बिकम एट का स्क्वायर इज सिक्सटी फोर ट्वेल्व का स्क्वायर इज वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर अगर मैंने एफ डी का स्क्वायर निकालना है तो वन फोर्टी फोर और सिक्सटी फोर को एड किया तो मुझे टू जीरो एट मिलेगा अब एफ डी का स्क्वायर अगर टू जीरो एट है बच्चों तो एफ डी का वैल्यू कितना हो जाएगा विफ यू टेक स्क्वायर रूट वो हो जाएगा रूट टू जीरो एट इसका रीजन चाहो तो लिख सकते हो बच्चों बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स। ओके okay? आप लोग लिख पाओगे उतना तो आप लोग जीनियस हो ही बट बच्चों एफ का वैल्यू जो रूट टू जीरो मिला है अगर आप लोग उसको वैसे ही लिख के आते हो तो ये आप लोग गलत कर रहे हो मानता हो बच्चों टू जीरो एट का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है बट हम लोग ने नाइन्थ स्टैंडर्ड में सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ सर्ड सीखा है जहां पर एक बड़े नंबर को जो रूट के अंदर होता है उसको हम सिंप्लीफाई करके छोटा बना सकते हैं अब ना बच्चों टू को सिंप्लीफाई करना इतना आसान काम तो है नहीं

208 जीरो इज एक्चुअली द रिलेशन ऑफ मतलब या फिर द दो फैक्टर्स उसके कौन से मालूम है 16 मल्टीप्लाइड बाई 13 ये मुझे पता था चलो यहाँ पे एफ डी इज इक्वल टू रूट इंटू सिक्स रूट ऑफ सिक्स इंटू थर्टीन यहाँ पे सिक्सटीन का स्क्वायर रूट मुझे पता है तो एफ डी इज इक्वल टू सिक्सटीन का स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा फोर हो जाएगा एंड रूट थर्टीन एज इट इज रहेगा बिकॉज आई डोंट नो द स्क्वायर रूट ऑफ रूट थर्टीन इट्स एन इेशनल नंबर यहाँ पे यूनिट्स लिख लिया मुझे एफ का वैल्यू मिल चुका है इट इज एज सिंपल एज दैट तो बच्चो देखो एफ डी का वैल्यू फोर रूट थर्टीन मिल गया मतलब सेकंड आंसर मिल गया मतलब दो मार्क्स मिल गया क्वेश्चन थोड़ा लेंगे जरूर है बट सिंपल है अच्छा गोइंग फर्दर फॉर द थर्ड वन मैंने इसको सेकंड करके लिखा बिकॉज ये सेकंड आंसर था ई एफ का वैल्यू निकालना है अब जरा बच्चों फिर से डायग्राम को ध्यान से देखो कहां पर दिख रहा है आप लोग को ई एफ यस बच्चों एक्चुअली एफ है ना सबसे बड़े ट्राइंगल का भी पार्ट है बट उससे कुछ फायदा नहीं होगा बिकॉज वहां पे है ना मुझे आंसर निकालने के लिए बाकी के साइड का वैल्यू नहीं है हाइपोटेनस का वैल्यू जरूर है बट डीएफ का वैल्यू नहीं है तो फायदा नहीं है मैं ना छोटा वाला ट्राइंगल लूंगा बच्चों जो अंदर है दिख रहा है बच्चों आप लोग को ई करके देखा यस इन ट्राइंगल ई जी एफ ई जी एफ करके ट्राइंगल है वहां पे सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा बच्चों यस एंगल इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री गिवन है बिकॉज परपेंडिकुलर था तो गिवन ही हो गया राइट right ना बच्चों अब क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है हां बच्चों यहां पे एक और सिली मिस्टेक एक छोटा सा मिस्टेक वो आपको ईजीएफ करके दिख रहा है बच्चों ट्राइंगल काफी सारे बच्चों को लगता है ईजी इज हाइपोटेनस उन लोग को ऐसा देखने की आदत है ना तो ये देखकर ऐसा लगता है कि EG जो है ना वो से नहीं इज़ ऑलवेज़ अ साइड ऑपोजिट 90 डिग्री तो जी के ऑपोजिट ई एफ इज हाइपोटेनस क्लियर है बच्चों छोटा सा मिस्टेक नहीं होना चाहिए इसलिए बता दिया चलो तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के दो साइड का स्क्वायर का एडिशन मतलब ईजी का स्क्वायर प्लस एफ जी का स्क्वायर क्लियर है बाय पाइथागोरस थ्योरम चलो ई एफ का स्क्वायर वैसे ही रहेगा बिकॉज वही तो फाइंड करने बोला है इज इक्वल टू ई जी का स्क्वायर कितना है बच्चों एटीन का स्क्वायर हमें अभी फ्रेशली मिला प्लस एफ जी का स्क्वायर कितना रहेगा बच्चा एफ जी का स्क्वायर ट्वेल्व का स्क्वायर होगा क्लियर चलो ई एफ का स्क्वायर निकालते हैं एटीन का स्क्वायर कितना होता है बच्चा इट इज थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेल्व का स्क्वायर होता है वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर अगर हम लोग इसको पर्टिकुलरली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 324 ट्वेंटी फोर प्लस वन चेक करो बच्चों कितना होना चाहिए 468 मिलेगा बिकॉज 4 प्लस फोर है 468 मिलने के बाद में अगर मुझे यहां पे ई का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या मैं बोल सकता हूं 468 का स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका रीजन चाहो तो लिख सकते हो बच्चों बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स अच्छा बट ई का वैल्यू अगर आप लोग अंडर रूट ऑफ 468 सिर्फ इतना ही लिख के आओगे तो चलेगा क्या नहीं चलेगा यहां पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यहां पे मैंने डायरेक्टली कर दिया है आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहते हो तो करो मैंने यहां पे लिखा अंडर रूट ऑफ फोर सिक्सटी एट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू तो नंबर्स दैट इज थर्टी सिक्स मल्टीप्लाइड जहां पे पिछले वाले क्वेश्चन में 16 था यहां का स्क्वायर रूट पता था, 36 का भी स्क्वायर रूट पता है यहां पे आएगा बच्चा ई एफ इज इक्वल टू थर्टी का स्क्वायर रूट होता है 6 यहां पे हो जाएगा सिक्स रूट थर्टीन यूनिट लिखना ना भूले एंड यहां पे आप फाइनली इसको बॉक्स में डाल सकते हो क्या हमें यहां पर ई का ही वैल्यू पूछा था हाँ बच्चों एंड मैंने यहाँ पे ई एफ का वैल्यू फाइंड भी कर लिया तो कैन यू सी बच्चा दिस द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जोमेट्रिक मीन करोलरी एज वेल एज द पाइथोगियरम हर जगह पे देखो बच्चों बच्चो तो आते ही रहता है एंड ये तो चैप्टर का नाम ही तो है तो इसमें तो होना ही चाहिए था सो इट वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आई होप बच्चों आप लोगों को आज के जो सेशन में क्वेश्चन भी समझ में आ गए एट द सेम टाइम बाकी के जो जो थियरम मैंने सिखाया है वो समझ में आ चुका है बच्चों लास्ट रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स अगर मेरा दूसरा वाला वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो अभी आएगा इसके बाद का जो प्रूफ रिलेटेड होगा अगर उसको अच्छी तरह से समझना है तो सबसे पहले ये वीडियो को अच्छी तरह से देखना समझने की कोशिश करना फिर उधर जाना नहीं तो कुछ समझेगा नहीं अप हो जाएगा ओके बच्चों एट लास्ट तो ये वाला टॉपिक खत्म हो चुका है एंड प्रैक्टिस से 2.1 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी हमारे खत्म हो चुके हैं मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा एंड चैनल पे आप नए हो तो प्लीज इसको लाइक करना शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ लव यू ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बाय टेक केयर